हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वक्त हम NH 148N पर हैं, कोटा टू जयपुर जो हाईवे जाता है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं नवाबों के शहर में। तो चलते रहिए हमारे साथ और मज़े कीजिए इस जर्नी के हमारे साथ में। वो शहर जहाँ पर लोग अक्सर नहीं जाते, हम उस शहर में जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये पड़ा है यहाँ पर एक रास्ते में देवली। ये आप कोटा से जब जयपुर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है ये देवली, और यहाँ पर मिलती है कचौरी। तो देखते हैं यहाँ पर कचौरी खा करके। लेकिन ये जो जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम एक ऐसे शहर में जा रहे हैं जहाँ टूरिस्ट अक्सर नहीं जाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर ये बचपन में तो हमने बहुत खाया, जब हम यहाँ से निकलते थे ये समोसे मिल जाएंगे आपको, है ना। और ये जलेबी है, ये ब्रेड पकौड़ा है, ये कचौरियाँ हैं, और ये कचौरी के अंदर ये लोग, और ये यहाँ की कचौरी है जिसके अंदर कड़ी होती है, इसे कहते हैं कड़ी कचौरी। तो ये है साहब, ये कचौरी के अंदर ये लोग कड़ी डालते हैं। तो कड़ी कचौरी इसको कहते हैं, लेकिन ठीक है, आप कभी कभी टेस्ट बदलने के लिए खा सकते हैं, क्योंकि कोटा में जो कचौरी मिलती है वो आपको पूरी चटनी के साथ मिलती है जी। लेकिन ये कचौरी कड़ी के साथ में मिलती है। अच्छा है, अगर आप यहाँ से निकलें, देवली की तरफ से कभी निकलते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट करने के लिए अच्छा है। चलिए कड़ी कचौरी यहाँ पर खा ली, अब इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और भी क्या मिलता है। हाँ पता तो चले ना कहाँ पर, हमको वो है डिपो कहलाता, थोड़ा आगे जाके डिपो आता है। अच्छा। ये सब नई बस्ती बसी है यहाँ पर, पहले यहाँ वीराना रहा करता था, इधर राइट हैंड पे सभी जगह तो राजस्थान में है किले का मैदान कहलाता है, ये राइट हेड पे जो आपको मकान दिख रहा है क्या कहलाता है, किले का मैदान। किले का मैदान तो पहले यहाँ किला हुआ करता था, पहले नवाबों का किला, तो ये किला हुआ करता था, अब सारी दुकानें और घर बन गए, किला तोड़ दिया नवाब। ये इधर आप देखो उल्टा हाथ का आपको ये डिपो मिलेगा, ये बहुत पुराना है, ये थोड़ा सा आगे चल के पेड़ के यहाँ पे एक बुकिंग हुआ करती थी पहले जमाने में, यहाँ पर भैया यहाँ टिकट मिलते थे, ये टिकट मिलते थे, बंद हो गई है, एक आदमी का लेफ्ट राइट नहीं नहीं अपन ने राइट चलना, ये बस स्टैंड, ये बस स्टैंड और डिपो, ये बस स्टैंड का डिपो, बहुत पुराना बेचारा वीरान हो गया है। दीदी आती बस तो अब ये चला बिना से बस इसी रोड पे चलना है अपन को, सीधे सीधे चलने थे, जहाँ मस्जिद आएगी आपको यहाँ किदवाई पार्क कहलाता है, किदवाई पार्क, किदवाई पार्क, ये वाला किदवाई पार्क है, आपको उल्टा हाथ भी दिख रहा है किदवाई पार्क। यहाँ पर क्या है, ये गाड़ी नहीं चल रही, बैटरी वाली गाड़ी सबसे ज्यादा चलती है, ये बैटरी वाले रिक्शा हैं यहाँ पर, यहाँ थोड़ी गरीबी हिसाब किताब है, इसलिए बैटरी वाली खरीद रखी है, रात को फ्री में रिचार्ज करते हैं, ये सब्जी मंडी लगती है, नहीं तो माधोपुर चौराहा था, ये माधोपुर चौराहा था, ये माधोपुर चौराहा है, इधर से राइट हैंड पे माधोपुर जाता है सीधा। अच्छा, अपन सीधा जाना है, और अपन को सीधा जाना है। तो ये हम टोंक के मेन बाजार में इस वक्त घूम रहे हैं, ये गजरे मिल रहे हैं यहाँ पर, मिल रहे हैं, एक मंदिर है, उस मंदिर के लिए यहाँ से लेते हैं, मान लेता है इनकी, ये राइट साइड में मंदिर, और ये आगे उधर मंदिर है एक श्री अग्रवाल धर्मशाला, इसके अंदर मंदिर है, ये गुंबद दिख रहे हैं ना, उसको बेचारे अपनी गरीबी के हिसाब से अपनी दुकान लगा रहे हैं, पहले बोर्डिंग थी, अभी उन्होंने बाहर से निकाल ली अपनी अपनी दुकान, पहले बोर्डिंग हुआ करती थी, छोटी छोटी सी बोर्डिंग, धंधे हैं मंदिर, अभी दिवाली का टाइम, मंदिर और मस्जिदों की तो धंधे चल रहा है, ये जामा मस्जिद, नहीं ये तो छोटी सी जामा मस्जिद आपको दिखाएंगे, अभी थोड़ी दो मिनट बाद जामा मस्जिद आ जाएगी, आप उल्टे हाथ पे गाड़ी रोक लेना, मैं कहूँगा ये लास्टा की रोड जा रहा है इधर उल्टे हाथ पे, ताकि अभी मॉल बन गया है वो छोटा।
अच्छा इस वाली गली में, इस वाली गली में अंदर जाके एक मकान था ऊपर सेकंड फ्लोर पे, वो वाला सेकंड फ्लोर टीन की जो टपली लग रही है ना, वहाँ पे हमारी अम्मी रहा करती थी पहले। कितने साल पहले? 30-35 साल पहले की बात है। ये नवाबों के मकान का घर है, ये दरवाजा आएगा यहाँ पे, ये दरवाजा जो ये सीधा अंदर नवाबों के घर में जा रहा है। ये नवाब सादत अली खान, ये वाला काला वाला गेट। हाँ ये गेट। अच्छा काला गेट। तो नवाब है क्या अभी? नवाब वो है, बेटे फैमिली है उनके, होते होंगे ना, आरिफ भाई ले जा सकते हैं। उनके नवाब साहब के मकान में ये वाली गली जा रही है ना, इसका पिछवाड़ा हिस्सा है, इसमें मेरी फूफा रहा करती थी, ये अगली गली में। अच्छा नवाब साहब के मकान में किराए से, और ये जामा मस्जिद आ गई, ये जामा मस्जिद है, चलेंगे इसमें अपन लोग। उतर दो, ये गाड़ी रोक लो, पार्किंग कर दो कहीं ना कहीं। ये है गेट जामा मस्जिद का। ये है जामा मस्जिद, और ये जामा मस्जिद का दरवाजा है। ये है साहब टोंक की जामा मस्जिद, और ये इसका वजू खाना है। तो मस्जिद भी देख लेते हैं यहाँ की, ये वजू खाना है। इधर सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।
भाई आप कुछ भी कहें लेकिन इस मस्जिद में जो नक्काशी हो रही है और जो काम है वो देखने लायक है। अगर आपका मौका लगे कभी तो एक बार देखने ज़रूर आइए। और यहाँ बाहर पुलाव की खुशबू आ रही है, ये बाहर जाने का रास्ता है। और मस्जिदों के बाहर अगर पुलाव की खुशबू ना आए तो फिर मस्जिद अधूरी है, क्योंकि इबादत के बाद ये नवाबों के शहर की गलियां, महात्मा गांधी ये बस स्टैंड है। देखा था ना तुमने, ये जान लेना वो ऊपर ऊपर आउट हां वो माते हम अभी तक राइट ले लो राइट। ये बस स्टैंड है, यहाँ का रोडवेज की जो सारी बसें हैं वो यहीं पर रुकती हैं। इधर से होगा रास्ता, यहाँ से होगा रास्ता। फोटो देखा ना वहीं के तो ऊपर के। अच्छा चलो मैं यहाँ का बस स्टैंड है। नहीं देखूंगा जहाँ तक तो फिर वो बैठने की जगह नहीं है बाहर। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग जा रहे हैं बनास नदी की तरफ। वहाँ पर ये बता रहे हैं कि है पक्के बंदे जिसको कहा जाता है, वहाँ पर देखने लायक स्पॉट है। चलिए देखते हैं कैसा है वहाँ पर माहौल। मेला लगता था पहले, खीर मशहूर थी ना, तो आगे पहुँचते दुकान दिखाएंगे, ये झूले डाला करते थे, झूले खाने आते थे। पीपल के बड़े पेड़ है ना, ये सबके यहाँ पे झूले डलते थे। वो एक आता ना क्या नाम है, कौन सा महीना आता है, सावन का सावन, उनमें ना यहाँ पर झूले 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 ओढ़ते ओढ़ते बच्चे साहब झूले। मेला लगता था बहुत, हजारों पब्लिक आती थी। हाँ फिर यहाँ पर खीर इसी जगह पे ये इधर से पानी आता है और इधर गिरता था। अब देखो पानी गिरता है इधर से, इधर से आता था। अरे इधर से आता था, नहीं इधर से आता है। अच्छा ये बनास है, पक्का बंदा ये। अच्छा, बनास नदी, बनास नदी है, बनास नदी है, कच्चा बंदा। और इधर देखो इधर पानी गिरता था बहुत ज्यादा, बनास नदी में तो ये पानी यहाँ से गया था। और ये खजूर के पेड़ का नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खजूर आगे अभी चल रहा था बनास, मेन बनास में अभी चलेंगे अपन। अच्छा ये तो कच्चा बंदा है, तालाब भी वो है, पानी इधर जाता था। अभी पिंडली पिंडली पानी रहता है, बहुत अच्छा लगता है चलने में, बहुत मशहूर जगह पानी। तो ये आ गए हम पक्के बंदों की तरफ। ये एक्चुअली पुल है, पुराना वाला पुल है, अब तो एक नया बन गया है हाईवे पे जो कि जयपुर की तरफ जा रहा है। तो ये पुराना पुल है एक्चुअली, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्या है यहाँ पर। यह तो बिल्कुल कच्चा रास्ता है जो कि बनास नदी की तरफ जा रहा है। और यहाँ से अब हमें ये बनास नदी नज़र आ रही है। ये यहाँ पर ये क्या बनास नदी का ना? बनास नदी में ये बनास नदी है, ये देखिए ये यहाँ से बनास नदी का ये पूरा व्यू है। ये सामने आपको पहाड़ी दिखेंगी और ये पहाड़ दिखाने हाँ अब बैग ले जा गाड़ी।
बनास नदी है, ठीक है। अभी तो क्या हालत हो रही है इसकी, लेकिन ये वाला जो पुल है ना, ये पुराना वाला पुल था, अब इधर से कोई नहीं निकलता पूरा। अब वो जो सामने एक पुल दिख रहा है, जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये वाला। अब ये पुल जो है, अब तो ये जगह पिकनिक वगैरह के लिए है, लेकिन इसे देख के लगता है कि अगर थोड़ी सी बारिश वारिश होगी तो मौसम यहाँ पर अच्छा रहेगा, तो आपको यहाँ मज़ा आ सकता है। पहले ये हाईवे हुआ करता था, ये रोड जयपुर जा रहा है, ये बनास नदी है पूरी, ये देख लीजिए आप, ये इसकी ये कंडीशन हो रही है इस वक्त बनास नदी की, कि आप यहाँ पर ये कंडीशन है पूरी बनास नदी की, ये सूखी हुई है। अब वो सामने वाला जो है ना, वो पुल है मेन जो पुल है, वो ये सामने वाला पुल मेन पुल है अब, और इसे बंद कर दिया गया है, इसे बोलते हैं पक्के बंदे। लेकिन देख करके लग रहा है कि अगर मौसम होगा ना, सुहाना मौसम हो थोड़ा सा, तो ये वाकई बहुत अच्छी जगह है, लोगों को मज़ा आए यहाँ पर देखने करने का। सामने बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल पूरी पहाड़ियाँ दिखती हैं, ये मैं यहाँ से जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये सामने पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, ये है, तो ये है पक्के बंदे टोंक में, है ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इस पुल के, ये पुल आप देख लीजिए पहले, क्योंकि ये इतना सकरा है कि इसके ऊपर से सिर्फ एक गाड़ी जा सकती है, राइट। तो यहाँ पर इस जगह पे गार्ड बैठता था, और ऐसा ही एक उस तरफ बना हुआ है जहाँ गार्ड बैठता था, तो यहाँ से एक गाड़ी को पास करते थे, और उसके बाद फिर उधर से दूसरी गाड़ी को छोड़ते थे। तो ये कोई दरगाह बनी हुई है यहाँ पर, ये देखिए पुराने टाइम की जगह है कैसी होती थी, ये यहाँ पर दरगाह है किसी की, अच्छा। ये दरगाह है ये, तो ये इतनी बड़ी कैसे है, ये 9 गज के थे। हाँ। हाँ। ये बताते हैं कि ये 9 गज के थे, तो ये इनके नाम से ये दरगाह बनी हुई है यहाँ पर, ये दरगाह भी इतनी बड़ी है, देख लीजिए आप ये। पता नहीं इसका पानी कहाँ गया, सोचिए आप, ये बनास नदी है, उसकी ये हालत हो रही है आज। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टोंक में एक चीज़ और देखने लायक है, APRI जिसे कहते हैं, वो एक म्यूज़ियम है और एक लाइब्रेरी भी है वहाँ पर अरबिक एंड फारसी की, तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना के चैनल पर डाला है, उसके साथ मैं उसे इसके साथ मैं अटैच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता म्यूज़ियम वगैरह देखने में। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे टोंक की थोड़ी सी नाइट लाइफ जो है वो किस तरह की है। ये मेन बाज़ार है टोंक का, बता रहे हैं कि 2:30 बजे तक भी खुला रहता है यहाँ पर सब कुछ। मैं आपको बताऊँ, ये मस्जिद है, ये बहुत पुरानी है,
और अब तो ये बंद हो रही है, लेकिन पहले इस मस्जिद में बाजमात नमाज हुआ करती थी औरतों की। ये अब तो ये इसकी ये पुराना गेट है, इसकी ये कंडीशन है। ये शायद नया पार्ट है इसका। ये किला थी सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी से कहते हैं, अभी तो ये बंद है, सुबह देखते हैं कि क्या होता है। नहीं, ये जामा मस्जिद है ना, ये इसका दूसरा गेट है। ये दूसरा गेट जो अपने फ्रंट से देखा था मुझे नाइट में, यहाँ इसके आसपास का माहौल है पूरा। आप इधर भी ले लो, लाइटें भी चल गई। ये मेन रोड पे इधर से वापस। क्या ये अभी दिवाली की वजह से हो रहा है? हाँ, स्टार्ट हुए और घंटा का खत्म। ये है साहब मेन स्ट्रीट घंटाघर। अपन अच्छा तुम गए नहीं, अभी चले सीधा घंटाघर चल रहे। अच्छा, घंटाघर एक ऐसी चीज़ है जो हर शहर में मिलता ही मिलता है, और हमारा घंटाघर भी देखना आप कितना खूबसूरत घंटाघर है। वहाँ कोई सब नवाबों के बनाए हुए हैं। ये क्या कह रहा था? काफिला। काफिला ये माहौल आप देखने को मिलेगा आपको यहाँ। जुमेरात अठवाड़ा पड़ता था, हर जुमेरात को पूरा मार्केट हाट बाजार भाई जान। हमने देखा हम आते थे यहाँ पे, सब चीज़ों की बिक्री होती थी। साइकिल वाइकिल खरीदना हो, शर्टें वर्टे, बनियान, टी शर्ट, पेंटे वेंटे सब। हमारा घंटाघर, ओ ये आ गया साहब घंटाघर, जो कि आपको हर शहर में मिल जाएगा। जैसे बदस्तूर यहाँ पर भी है, ये घंटाघर। इस पर घड़ी शायद नई वाली लगा दी। अब नगर निगम का है ये, पहले बस स्टैंड इधर हुआ करता था। सर ये कहलाता है पटेल सर्किल, और टोंक जो असली वो है वो यहाँ तक ही है। अब दिन में तो मैं इसे कवर कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि अभी मुझे नाइट में ही हम लोग यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं। तो ये पटेल सर्किल ये है, और इसी एरिया में ये है कोटा, ये इसी एरिया में टोंक जो है वो बसा हुआ है। भैया ये हम कोटा में एंट्री कर चुके हैं, और कैसा रहा टोंक का टूर? आधा अधूरा जैसा भी था, अच्छा था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। टेक केयर, तस्वीर दानिया।